मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के लोगों के लिए जरूरी खबर है। शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी से सफर करने वाले लोगों को 15 सितंबर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि मुंबई में टैक्सी चालक और ऑटो रिक्शा चालक ने बेमियादी हड़ताल करने की चेतावनी दी है। मुंबई टैक्सी मैन यूनियन और रिक्शा मैन यूनियन ने किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। यूनियन ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष हड़ताल की धमकी देते हुए किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की है। मुंबई टैक्सी मैन यूनियन का कहना है कि मार्च 2021 में अंतिम किराए संशोधन के बाद से सीएनजी की कीमत में कुल 32 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के कारण टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों को रोजाना 250 से 300 रुपए का नुकसान होता है। अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो हड़ताल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।